ये छह त्रिकोण छह चक्रों को दर्शाते हैं। आप इसे दिन में बस 6 से 8 घंटे तक जलाइए और आकाशिक तत्व प्रबल हो जाएगा। अगर बीमार लोग हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, तो ये उनके लिए चमत्कार करेगा। हर इंसान चाहता है कि उसके पास अपना खाना हो और अपना पानी हो, जाहिर है। अगर आप बगल में बैठे किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं तो आप अपनी हवा भी चाहेंगे। जब आप देखते हैं कि आपके आसपास हर कोई अपने विकास और परम संभावना के प्रति उतना गंभीर नहीं है जितने आप हैं, तो आपको अपनी खुद की आग भी चाहिए होती है। आप सार्वजनिक अग्नि के पास नहीं बैठना चाहते। एक साधु कभी भी गृहस्थों के साथ आग के आसपास नहीं बैठेगा। वो उनके साथ बैठना नहीं चाहता। वो उस स्तर पर उन लोगों के साथ संवाद नहीं करना चाहता जो शारीरिक क्रियाओं में लिप्त हैं। इसलिए उनको अपनी ही आग चाहिए होती है। वो सिर्फ उन शक्तियों से संवाद करना चाहते हैं जो उनसे परे हैं। संवाद करना मतलब बोलना नहीं है। वो बाकी लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनकी ऊर्जा हर किसी के साथ घुल मिल जाए। वो नहीं चाहते कि उनके भीतर का सूक्ष्म पहलू, उनकी उपस्थिति और अस्तित्व का सूक्ष्म पहलू विभिन्न लोगों के साथ मिल जाए। क्योंकि जब आप आग के आसपास बैठते हैं तो किसी न किसी तरह आप एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। आप ऐसा नहीं होने देना चाहते। अगर आप एक विशेष दिशा में काम कर रहे हैं तो एक साधु जिसने अपने जीवन पर एक खास महारत हासिल कर ली है किसी और के साथ बैठना नहीं चाहता। उसको अपनी खुद की आग चाहिए होती है और वो उसके साथ बैठना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ ईश्वर के साथ संवाद करना चाहता है, किसी और के साथ नहीं। इसलिए अपनी अलग धुनी होती है। और ये धुनियाँ कई तरीकों से जलाई जाती थी। मूल धुनी उस श्रेणी में आती है जिसे कहते हैं पंचाग्नि। पंचाग्नि साधनाएं होती हैं, पंचाग्नि मंत्र हैं, पंचाग्नि क्रियाएं हैं। हम आपको आपके घर में एक छोटी सी पंचाग्नि के साथ प्रयोग करा सकते हैं और आप देख सकते हैं आप अपने घर को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ध्यान करने के लिए एक स्पेस बनाना चाहते हैं आपके घर पर, या मान लीजिए कि आपके घर में बूढ़े लोग हैं या बच्चे हैं या कोई है जो बीमार है, या बस सामान्य सहायक वातावरण के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप ऐसा करने के लिए पांचों मूलभूत तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। You just draw 4 triangles. तो आप बस 4 त्रिकोण बनाइएगा। 2 ऊपर की ओर देखने वाले त्रिकोण, 2 नीचे की ओर देखने वाले त्रिकोण। मान लीजिए आपने इसे 10x10 फुट की जगह दी है, या 6x6 फुट की, जैसी भी जगह आप बनाना चाहते हैं, और बीच के 2 त्रिकोण एक दूसरे को काट रहे हैं ताकि ये अनाहत का एक तारा जैसा बन जाए। आप इसे आटे से बना सकते हैं, चावल के आटे से, या आप इसे अनाजों से बना सकते हैं, यूं कहिए कि दालों से, या सिर्फ चावल से। आप बस एक ढांचा बना सकते हैं या इसे भर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कुछ ऐसा जो पृथ्वी से जुड़ा हो। आप ऐसा करने के लिए महीन लाल मिट्टी का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहां कुल मिलाकर 6 त्रिकोण हैं। ये 6 त्रिकोण 6 चक्रों को दर्शाते हैं, क्योंकि 7वां वाला ऐसा नहीं है जिसे आप ऐसे प्रभावित कर सकते हैं। ये 6 चक्र हैं और 5 तत्व हैं और 5 अलग अलग अग्नियां हैं। तो आप एक प्लेट लीजिएगा। बेहतर होगा कि तांबे की प्लेट हो या किसी भी धातु की प्लेट हो सकती है। इसे पानी से भर लीजिए और उसमें आप एक दिया रखिए, घी का एक दिया या वनस्पति तेल का दिया। अच्छा होगा कि तिल का तेल हो। तिल गर्मी पैदा करता है। सर्दियों में पूरे दक्षिण भारत में लोग बहुत सारे
तिल खाया करते हैं ताकि शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो, ये भारी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। तो तिल का तेल या घी या कोई अन्य वनस्पति तेल के 5 दिए और इसके आसपास पानी, आप बस इसे दिन में 6 से 8 घंटे तक जलाइए। ये जगह एक निश्चित स्तर की आभा इकट्ठा कर लेगी और आकाशिक तत्व प्रबल हो जाएगा। अगर बीमार लोग हैं, बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, तो ये उनके लिए चमत्कारिक रूप से काम करेगा। या अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, आप ध्यान करने के लिए एक जगह बनाना चाहते हैं, ये खूबसूरती से काम करेगा। आप बस ऐसे अपने लिए इस तरह की जगह बना सकते हैं हर रोज, अगर आप इन्हें सिर्फ 6 से 8 घंटे तक जला लें और फिर आप इसे हटा सकते हैं और वहां बैठ सकते हैं, या आप इसे एक परमानेंट चीज भी बना सकते हैं। आप इन्हें किसी प्रकार की शीट पर रख सकते हैं ताकि आप इन्हें हटा सकें और आप जब बैठना चाहें तो बैठ सकें या वापस रख सकें, या आप इनके साथ बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आप बस इसे वैसे भी छोड़ सकते हैं और इसके साथ बैठ सकते हैं। ये बहुत सारे लाभ दे सकता है क्योंकि ये पंचाग्नि प्रणाली को मैनेज करने का एक तरीका है। अगर कोई उससे जुड़े मंत्रों को और क्रियाओं को सीखना चाहता है तो ये संभव है, लेकिन इसमें एक अलग स्तर की सहभागिता और ध्यान की ज़रूरत होगी। लेकिन ये कुछ ऐसा है जो हर कोई कर सकता है। तो आप अपने घर में इस तरह से पंचाग्नि बना सकते हैं और उससे लाभ उठा सकते हैं। सदगुरु इतने अनुष्ठान वाले क्यों हो रहे हैं? उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है, सब कुछ भीतर से किया जा सकता है 100%। अगर आप जानते हैं कि भीतर की ओर कैसे मुड़ना है और अपने भीतर की इस सर्वाग्नि को बनाए रखते हैं जो ब्रह्मांड में हर चीज को छूती है, तो उनमें से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जहां आप बैठे वही सबसे उपयुक्त स्थान है। आपकी उपस्थिति ही इन सारी व्यवस्थाओं की तुलना में लाखों गुना बेहतर काम करेगी। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो बाहर से सहायता लेने में कुछ गलत नहीं है। अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके होने का तरीका आपके आसपास की किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, तो आपको किसी अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, जो भीतर है वो सब संभाल लेगा।